मध्य प्रदेश शासन गायों के रखरखाव एवं उनके मान सम्मान के लिए नित नए कानून ला रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर गौ माता के लिए बनाई गई गौशाला में गौ माता भूख प्यास के कारण दम तोड़ रही है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश देवास जिले के कंटाफोड़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम इकलेरा की, जहां आज से 3 वर्ष पहले मोहन सिंह नामक ग्रामीण ने सड़कों पर घूमती फिरती गायों के लिए वन विभाग की भूमि पर वृंदावर गौशाला का निर्माण किया था, लेकिन गौशाला का आज तक ना तो पंजीयन हो पाया है और ना ही शासन से कोई अनुदान मिला है। जन सहयोग से जैसे तैसे गौशाला का संचालन किया जा रहा है, लेकिन वहां गायों की संख्या के अनुपात में रहने का पर्याप्त स्थान नहीं है। गौशाला में गायों के लिए ना तो पर्याप्त छांव की व्यवस्था है और ना ही खाने पीने के लिए पर्याप्त घास फूस की व्यवस्था। ऐसी स्थिति में गौशाला में प्रतिदिन गौ माता भूख प्यास के कारण दम तोड़ रही है। तत्कालीन विधायक द्वारा गौशाला के लिए दिया गया पानी का टैंकर पंचायत इकलेरा के सरपंच ने ले लिया, इस कारण पानी की समस्या भी गौ माता के सामने बनी हुई है। गौशाला में हो रही गौ माता की दुर्दशा को देखते हुए अब युवकों ने आगे आने का निर्णय लिया है। लोहारादा के युवक ऋषभ सतवान साथियों के साथ गौशाला पहुंचे, जहां अब नई समिति का निर्माण किया है जो गायों की देखरेख एवं उनके लिए खाने पीने की सुविधा जुटाने के लिए काम करेगी। संचालक जी, शासन द्वारा आपके गौशाला में क्या क्या मदद की गई है? अरे, शासन द्वारा कई मदद आज तक मिली भी नहीं है। 3 साल हो गया है या 4th साल चालू हो गया है। पंचायत से लगा के तहसील जिला तक में हुई आयो है और सब अधिकारी होने के पास भटक के ने और परेशान हो के आके यहाँ निराश हो के बैठी हूँ। इस गौशाला में कितनी गायें हैं भाई साहब? गाय 300 के लगभग है गाय। इनको ठहराने की क्या व्यवस्थाएँ हैं आपके पास? ठहराने की कई व्यवस्था नहीं, खुल्लो मैदान एरियो है, जाली लगा रखी है और कूड़दान और जंगल में चरा लाव है, यह है व्यवस्था। पानी की व्यवस्थाएँ? पानी की पंचायत से सचिव से मंत्री से 100 चक्कर के दिए, फिर उनने आज तक कोई ध्यान नहीं दियो है। एक चंपालाल देवड़ा विधायक ने एक टैंकर दियो तो वो टैंकर भी पंचायत वाला उनने यहाँ से खींच के बिना काम गाँव में ले जा खड़ो कर दियो, जिससे जहाँ जरूरत नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ सत्तावन है। कांटाकोड़ के समीप जबलपुर नामक ग्राम में एक वृंदावन गौशाला का निर्माण किया गया था। कुछ समय पहले इसका निर्माण एक गरीब व्यक्ति द्वारा किया गया है, फिर कुछ समिति के लोगों द्वारा इसको सहायता प्रदान की जा रही है। विधायक द्वारा कुछ समय पहले एक टैंकर गौशाला को दिया गया था, परंतु पंचायत द्वारा वापस इसे ले लिया गया। यहाँ पर गौशाला में गौ माता के रहने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर कुल 20 से 25 गाय की रहने की व्यवस्था है, परंतु यहाँ पर 350 से 450 तक लगभग गायें यहाँ पर निवास करती है। तो बारिश के कारण एवं असुविधा के कारण रोजाना गायें मृत्यु को प्राप्त हो रही है। इन सबका कारण है कि वहाँ पर अपर्याप्त पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, ना ही शासन द्वारा कुछ मदद की जा रही है। सिर्फ समिति द्वारा एवं नगर से चंदा इकट्ठा कर गौशाला का कार्य किया जा रहा है। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि शासन द्वारा हमें सहायता प्रदान की जाए एवं वृंदावन गौशाला को वृंदावन धाम बनाने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद।